सो आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे सैमसंग की ब्रांडिंग के साथ आने वाले ऐसे टॉप 3 स्मार्टफोन जो दोस्तों आपको इंडियन मार्केट में 12,000 रुपए से भी कम की कीमत में देखने को मिल जाते हैं। तो अगर आप इस कीमत में इंडियन मार्केट में कोई सैमसंग की ब्रांडिंग के साथ फोन लेने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आज की वीडियो को पूरा जरूर देखें। सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र कौशिक, आप देख रहे हैं टेक स्टोरी यूट्यूब चैनल। चलिए दोस्तों वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सो हमारी लिस्ट के अंदर दोस्तों सबसे पहला स्मार्टफोन आता है सैमसंग गैलेक्सी M13। ये स्मार्टफोन दोस्तों इंडियन मार्केट में लॉन्च हुआ था आपका 23 जुलाई 2022 को, और आउट ऑफ दी बॉक्स दोस्तों ये काम करता है एंड्रॉइड 12 के ऊपर, यानी कि लेटेस्ट वर्जन पे स्मार्टफोन काम करता है। और ये स्मार्टफोन सैमसंग के वन यूआई पर बेस्ड है, इसमें भी लेटेस्ट वर्जन ही देखने को मिलता है। उसी के साथ इस स्मार्टफोन में सैमसंग एक्सिनोस 850 प्रोसेसर देखने को मिलता है। ये सैमसंग खुद का प्रोसेसर है, प्रोसेसर काम करता है 2 GHz के क्लॉक स्पीड पे, और साथ ही 8 नैनोमीटर पर प्रोसेसर बेस्ड है। सो गेमिंग परफॉर्मेंस भी ठीक ठाक अच्छी देखने को मिलती है इस प्रोसेसर के साथ। उसी के साथ 6.6 इंच की एक फुल HD+ डिस्प्ले भी देखने को मिलती है, गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन, पीक ब्राइटनेस है 480 निट्स तक का, तो डिस्प्ले भी आपको काफ़ी मजबूत और काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी। उसी के साथ दोस्तों इस स्मार्टफोन में बैक पे ट्रिपल स्लॉट कैमरा सेटअप है, जिसमें 50 का मेन है, 5 MP का अल्ट्रा वाइड लेंस देखने को मिलता है, और 2 MP का डेप्थ सेंसर देखने को मिल जाता है। तो फ्रंट में देखने को मिलती है 8 MP की इन्फिनिटी वी डिजाइन के बाद एक सेल्फी। उसी के साथ एक 6000mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिल जाती है, जो कि आपके 15 वोल्ट के चार्जर के साथ आती है। साथ ही इसमें साइड माउंट फिंगरप्रिंट स्कैनर और 1 TB स्टोरेज को एक्स्ट्रा भी बढ़ा सकते हैं। और साथ ही दोस्तों अगर फाइनली बात करें इस स्मार्टफोन की कीमत की, तो कीमत दोस्तों फ्लिपकार्ट और अमेजोन पर दोनों जगह आपको अलग देखने को मिलती है। अगर आप इस फोन को अमेजोन से लेते हैं तो 11,999 रुपये, 4 GB RAM, 64 GB इंटरनल स्टोरेज, फ्लिपकार्ट के ऊपर 10,895 रुपये है सेम वेरिएंट, यानी कि 4 GB RAM 64 GB इंटरनल स्टोरेज। कहीं से भी आप ले सकते हैं, लेकिन जिसका ऑफिशियली पार्टनर है वो है अमेजोन। आप वहाँ पर जाके लेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट रहेंगे आपको रिटेल, जैसे कि एक्सचेंज करने में, या फिर आपको जो ऑफर मिलते हैं यानी कि आपको जो गारंटी वगैरह मिलती है वो आपको अमेजोन से अच्छी देखने को मिलेगी। तो ऑफिशियली पार्टनर से आप स्मार्टफोन को परचेस कर सकते हैं, थोड़े से डिस्काउंट के चक्कर में फ्लिपकार्ट से नहीं लेना है, क्योंकि वहाँ पर से आपको ये ऑफिशियली पार्टनर फ्लिपकार्ट इस फोन का नहीं है। अब बात करते हैं अपने सेकंड स्मार्टफोन की, जो कि सैमसंग की ब्रांडिंग के साथ ही आता है। लिस्ट का अगला स्मार्टफोन दोस्तों हमारा है सैमसंग गैलेक्सी F13। अब ये स्मार्टफोन दोस्तों लॉन्च हुआ था 29 जून 2022 को। आउट ऑफ दी बॉक्स दोस्तों ये स्मार्टफोन काम करता है एंड्रॉइड 12 के ऊपर, और ये स्मार्टफोन भी वन यूआई पर ही बेस्ड है, ये भी लेटेस्ट वर्जन पर ही काम करता है। साथ ही इस स्मार्टफोन में आपको सैमसंग एक्सिनोस 850 प्रोसेसर ही देखने को मिलता है। ये प्रोसेसर भी 8 नैनोमीटर पर बेस्ड है और 2 GHz की क्लॉक स्पीड देता है, यानी कि परफॉर्मेंस के मामले में बिल्कुल सेम है M13 और F13। उसी के साथ दोस्तों स्मार्टफोन में भी 6.6 इंच की फुल HD+ डिस्प्ले है, विद गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन, 60Hz रिफ्रेश रेट, और इसका भी पीक ब्राइटनेस है 480 निट्स तक का। साथ ही दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको बैक पे ट्रिपल स्लॉट कैमरा सेटअप ही देखने को मिलता है, जिसमें 50 का मेन है, तो 5 का अल्ट्रा वाइड और 2 का माइक्रो लेंस है। तो फ्रंट में भी 8 MP की सेल्फी ही देखने को मिलेगी। उसी के साथ 6000mAh बैटरी है, 15 वोल्ट का चार्जर भी देखने को मिलता है, 1 TB स्टोरेज इसके अंदर भी बढ़ाई जा सकती है SD कार्ड के लिए एक्स्ट्रा, और साइड माउंट फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने को मिलता है। फीचर्स के मामले में M13 F13 सेम हो सकते हैं, लेकिन डिजाइन के मामले में बिल्कुल भी नहीं। बात करें फाइनली कीमत की, तो कीमत दोस्तों इस स्मार्टफोन की 11,999 रुपये ही देखने को मिलती है, 4 GB RAM और 64 GB इंटरनल स्टोरेज। स्मार्टफोन दोस्तों ये भी काफ़ी कमाल का है, इसका बैक डिज़ाइन मेरे को काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम और काफ़ी अच्छा लगा। आप इस बेस पे भी स्मार्टफोन को ले सकते हैं, लेकिन आपके कुछ आपको मैं कहूँगा आपका बैड लगा, क्योंकि ये स्मार्टफोन फिलहाल 11,999 का है, लेकिन किसी टाइम पे सेल के अंदर 9,999 का भी देखने को मिला था। वो डिस्काउंट की बात भी हमने करी थी, लेकिन आप उस टाइम चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा था, तो आप इस डिस्काउंट को नहीं ले पाए थे। तो इसलिए सब्सक्राइब करके रखें, जैसे ही डिस्काउंट आता है ऐसे किसी भी प्रीमियम फ़ोन पे, तो आपके लिए इस चैनल पे मैं जानकारी डिटेल में लाता रहता ही हूँ। सो बात करें दोस्तों फाइनली तीसरे और आखिरी फ़ोन की, फिर दोस्तों बात करेंगे तीनों में से भी बेस्ट आपके लिए कौन सा स्मार्टफोन रहेगा। सो फाइनली इसका तीसरा और आखिरी स्मार्टफोन है सैमसंग गैलेक्सी F22। ये स्मार्टफोन दोस्तों लॉन्च हुआ था 13 जुलाई 2021 को, आउट ऑफ दी बॉक्स एंड्रॉइड 11 के ऊपर काम करता है, और ये स्मार्टफोन भी वन यूआई पर ही बेस्ड है। सैमसंग के सभी फोन वन यूआई पर ही बेस्ड होते हैं। साथ ही इसमें मीडिया टेक हेलियो G80 प्रोसेसर ही देखने को मिलता है। ये प्रोसेसर दोस्तों आपका 2 GHz की क्लॉक स्पीड देता है, 12 नैनोमीटर पर रन करता है, और गेमिंग परफॉर्मेंस के मामले में काफ़ी अच्छा है ये प्रोसेसर। साथ ही इस स्मार्टफोन में 6.4 इंच की एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलती है, 90Hz रिफ्रेश रेट, और साथ ही इसमें पीक ब्राइटनेस 600 निट्स तक का है। लिस्ट के अंदर सबसे बेस्ट डिस्प्ले इसी स्मार्टफोन की देखने को मिलती है। उसी के साथ इसमें बैक पे क्वाड कैमरा सेटअप है, जिसमें 48 का मेन है, 8 का अल्ट्रा वाइड है, 2 का माइक्रो लेंस, 2 का डेप्थ सेंसर देखने को मिलता है। तो फ्रंट में देखने को मिलती है 13 MP की इन्फिनिटी यू डिजाइन वाली एक सेल्फी। साथ ही दोस्तों इस स्मार्टफोन में देखने को मिलती है 6000mAh की बड़ी बैटरी, जो कि 15 वोल्ट के चार्जर के साथ आती है। उसी के साथ साइड माउंट फिंगरप्रिंट स्कैनर और 1 TB स्टोरेज एक्स्ट्रा भी बढ़ा सकते हैं। साइड माउंट फिंगरप्रिंट स्कैनर जैसे कि मैंने बताया वो काफ़ी प्रीमियम और काफ़ी
अच्छे तरीके से काम करता है, और साथ ही दोस्तों इस स्मार्टफोन में डॉल्बी साउंड क्वालिटी का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों स्मार्टफोन के फीचर्स तो काफ़ी ज़्यादा कमाल के देखने को मिलते हैं। बात करें फाइनली इसकी कीमत की, तो कीमत इसकी 11,499 रुपये है, जिसमें 4GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलता है। तो कीमत के मामले में, फीचर्स के मामले में, किसी मामले में पीछे ये स्मार्टफोन दिखता नहीं है, तो मेरे हिसाब से भी ये भी कमाल का स्मार्टफोन है। सो ये दोस्तों लिस्ट के अंदर टॉप 3 स्मार्टफोन जो सैमसंग की ब्रांडिंग के साथ आपको इस प्राइस रेंज में देखने को मिलते हैं। तो अगर आप 12,000 से कम में कोई स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं तो आपके लिए टॉप बेस्ट स्मार्टफोन है। इससे अच्छे कोई स्मार्टफोन आप ढूंढ सकते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं। मेरी नज़र में कोई ऐसा स्मार्टफोन आया नहीं है, आपकी नज़र में आया तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अब दोस्तों फाइनली बात करें कि तीनों में से बेस्ट आपके लिए कौन सा स्मार्टफोन रहेगा। दोस्तों मैं एक बात कहूँगा, अगर आप थोड़ा रुक सकते हैं ना तो बिल्कुल रुक जाएं। सैमसंग गैलेक्सी F13 पे ना कमाल का डिस्काउंट आने वाला है। जी हाँ, लिख के रख लीजिए, कमाल का डिस्काउंट आने वाला है उस स्मार्टफोन में। फिलहाल जो वो 11,999 का देखने को मिलता है 4GB 64GB वेरिएंट, उसको आप लगभग 10,000 में परचेस कर पाएंगे अगर आप रुकना चाहते हैं तो। लेकिन रुकना महीने भर पड़ेगा, ऐसा नहीं है आपको कल ही डिस्काउंट देखने को मिलता है, महीने भर रुकना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको फिलहाल अभी कोई स्मार्टफोन लेना है तो आपके पास वो भी एक अच्छी चॉइस है, क्योंकि 11,999 में भी वो स्मार्टफोन बुरा नहीं है, क्योंकि अच्छे डिज़ाइन और अच्छे फीचर्स के साथ आता है। कैमरा क्वालिटी के मामले में अच्छा है वो स्मार्टफोन। लेकिन अगर हम बात करें सिर्फ गेमिंग स्मार्टफोन की, तो दोस्तों फिर तो आपको सैमसंग गैलेक्सी F22 की तरफ जाना पड़ेगा। मेरे लिस्ट में सबसे बेस्ट स्मार्टफोन है सैमसंग गैलेक्सी F13, सेकंड नंबर पे आता है सैमसंग गैलेक्सी F22 और थर्ड नंबर पे आता है सैमसंग गैलेक्सी M13। आप इस बेस पे स्मार्टफोन को ले सकते हैं कि मेरी लिस्ट में कौन सा पहले नंबर पे या कौन सा सेकंड नंबर पे आ रहा है। लेकिन आपको कौन सा स्मार्टफोन लिस्ट के अंदर सबसे अच्छा लगता है, इस बारे में कमेंट जरूर करें। 5G स्मार्टफोन की तलाश में इस लिस्ट में आए थे तो सैमसंग का कोई भी फ़ोन 12,000 से कम में 5G नहीं देता है। कुछ दिन बाद हम 15,000 से नीचे में 5G स्मार्टफोन की बात करेंगे सैमसंग ही ब्रांडिंग के साथ। तो उसको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके रख लें। आपको 5G स्मार्टफोन भी मैं बताने ही वाला हूँ। सो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी इस बारे में कमेंट जरूर करें, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलेंगे दोस्तों सीखो नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।